नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक आईपीओ के बारे में बात करेंगे और ये आईपीओ आज से ओपन हुआ है और इस आईपीओ का नाम प्रमारा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमारा प्रमोशंस आईपीओ। और अगर हम कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो दोस्तों ये आईपीओ आज के दिन ओपन हुआ है 1 सितंबर और लास्ट डेट इसकी 5 सितंबर है। और जो शेयर्स अलॉट होंगे वो 8 सितंबर तक होंगे और जिनको शेयर्स अलॉट नहीं होंगे उनके पैसे 11 सितंबर तक रिफंड हो जाएंगे। और डीमेट अकाउंट में शेयर्स रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट करेंगे 12 सितंबर और 13 सितंबर इस शेयर की लिस्टिंग डेट बताई जा रही है। और अगर हम कंपनी के लॉट साइज़ देखें शेयर्स का, तो दोस्तों ये है लॉट साइज़। एक लॉट में लगभग 2000 शेयर्स मिलेंगे ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट सेम है, 1,26,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें अब, तो दोस्तों ये है कंपनी की बैलेंस शीट 2021-22 और 23। और ये जितनी भी अमाउंट आप देख पा रहे हो सारी लैक्स में है। और यहाँ पे आप एसेट देख सकते हो, पहले 49, फिर 61, फिर 6139। तो एसेट सही हिसाब से ग्रो हो रही है। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ये सारी अमाउंट लैक्स में, मैं बता दूँ आपको, पहले ये 33 लाख, फिर लगभग 1.25 करोड़, फिर 2.25 करोड़। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो दोस्तों रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर हम देखें तो पहले 1115, फिर 1200 और फिर अब लगभग 1000। तो सरप्लस ठीक ठाक हैं, ज़्यादा सही भी नहीं है। और अगर हम बोरोइंग्स देखें तो दोस्तों कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं, पहले 3000, फिर 3100 और फिर उसके बाद 3300। तो दोस्तों कंपनी की बोरोइंग्स ज़्यादा हैं। ये कंपनी की बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट के हिसाब से अगर देखें तो ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते हम, थोड़ा रिस्की टाइप से का मामला है क्योंकि बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। और अगर हम ग्रे मार्केट प्राइस देखें अभी इस आईपीओ के लिए, तो दोस्तों 30 अगस्त और 31 दो दिन से इस आईपीओ के लिए जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो सेम ही चल रहा है 1 रुपये। तो लिस्टिंग गेन भी कोई ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा हमें। और दोस्तों आप अपनी स्टडी करके तभी इस आईपीओ के लिए इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कई बार लिस्टिंग गेन के चक्कर में आईपीओ काफ़ी डिस्काउंट पे खुल जाता है। तो आप पहले अपनी स्टडी कीजिए और तभी इसमें आईपीओ में पैसे लगाइए।